हेलो स्टूडेंट्स, श्री जीतचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको विटामिन के बताऊंगी, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फूड न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसमें आपका विटामिन के भी है। तो इस विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन के जो है होता क्या है। तो 1934 में डॉक्टर डाम ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि जो मुर्गी के बच्चों में जो रक्त स्राव को रोकने के लिए मछली का चूर्ण या फिर इसके अलावा लहसुन घास देने से ठीक हो जाते हैं। इनमें जो तत्व पाया जाता है वो फैट सॉल्युबल होता है, जिसको हम विटामिन के कहते हैं। यानी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन में जैसे ए डी ई है, उसके साथ साथ उसमें के भी हमारा आता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होने के कारण ये किसमें डिजॉल्व होगा, ये हमारा फैट में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की बात करें, इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो विटामिन के है वो हमें दो फॉर्म में मिलता है। एक तो होता है विटामिन के वन, जो कि पाया जाता है हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। एक होता है विटामिन के टू, जो कि जीवाणु की कृत्रिम रचना से जो है वो उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं इसकी कि इसका कलर कैसा होता है। तो ये जो होता है, ये इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। ताप की बात करें तो इस पर ताप का कोई प्रभाव हानिकारक नहीं पड़ता, और अम्ल और क्षार ये दोनों में जो है ये नष्ट हो जाता है। वसा और वसा कोलकों में ये डिजॉल्व हो जाता है। सन रेज जो होती है उसमें और ऑक्सीकरण जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो है ये नष्ट हो जाता है। इसके बात करें इसके प्राप्ति साधनों की, कि आखिर ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिनसे जो है विटामिन के जो है हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति जन्य जो भोज पदार्थ होते हैं, उनमें जैसे कि हमारा स्पिनेच होता है, जो पालक होती है, इसके अलावा कैबेज में जो है ये काफ़ी हाई लेवल में जो है और हाई मात्रा में जो है इसमें ये पाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो फूल गोभी होती है, सोयाबीन होता है, और गेहूं की जो भूसी होती है, और गेहूं का जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में भी जो है ये जो विटामिन के है वो पाया जाता है। और आंत में जो हमारी आंत होती है उसमें बैक्टीरिया में जो है इसका निर्माण जो है होता है। अब हम बात करें अगर अल्फा की, तो उसमें जो है ये 425 से लगा के 850 माइक्रोग्राम पाया जाता है। अगर हम बात करें 100 ग्राम में, अगर 100 ग्राम पत्ता गोभी में देखें तो ये जो है 250 माइक्रोग्राम के हिसाब से जो है पाया जाएगा। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में 275 माइक्रोग्राम, पालक जो हमारा होता है स्पिनेच उसमें 34 माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है इसमें पाया जाता है। हरी मटर की बात करें तो 49 माइक्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं आलू की तो उसमें 20 माइक्रोग्राम। गेहूं का जो छिलका होता है जो बाद में भूसी का रूप ले लेता है उसमें हमारा 80 माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है विटामिन के पाया जाता है। गेहूं की बात करें तो इसमें 36 माइक्रोग्राम, एंड सोयाबीन जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो 190 माइक्रोग्राम जो है हमें विटामिन के मिलता है। कितने में? 100 ग्राम सोयाबीन में। इसके बाद बात करते हैं मटर की, तो उसमें 110 माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है इसमें विटामिन के जो है मिलता है। और लीवर की बात करें तो 115 से लगा के 230 माइक्रोग्राम जो है लीवर में हमें विटामिन के मिल जाता है। अब इसके काम की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है रक्त को जमाना या रक्त के थक्के जमाना। तो रक्त के जमने में जो हमारी प्रोथ्रोम्बिन होती है वो आवश्यक पदार्थ बनाने वाली जो हमारी सेल्स होती हैं उसको जो है विटामिन के सक्रिय बनाता है, और यही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल करके कन्वर्ट होकर के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और यही फाइब्रिन पतला जाल बनाता है जिससे कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो घूमते हैं और रक्त जो है थक्के के रूप में जम जाता है। इस पूरी प्रोसेस में जो है आवश्यक जो प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए जो है विटामिन के जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसे चाहिए होता है। अब बात करते हैं इसकी कमी के प्रभाव की, तो शरीर में विटामिन की कमी के कारण सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें लीवर और आंत संबंधी डिजीज जो है वो हो जाती हैं। आंतों की गड़बड़ी से जो है डायरिया की शिकायत इसमें हो जाती है,
और शरीर में जो है पित्त रस कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण से पीलिया या जॉइंटिस है वो हो जाता है और शरीर में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि रक्त जमने में जो है समय अधिक लगता है, जिससे रक्त अधिक बह जाता है। और इसके अलावा अर्धचर्म और अंतरपेशीय जो रक्तस्राव होता है वो भी इसमें जो है हिमोरेज यानी जो हमारी इनर हिमोरेज होता है वो हो जाता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो है विटामिन के की कमी से जो शिशु होता है उसके रक्त स्रावित संबंधी रोग जो है इसमें हो जाते हैं। इसकी अगर हम प्रति इसकी अधिकता की बात करें तो इसके अधिकता का कुप्रभाव हमें दिखता है अपरिपक्व जन्म शिशुओं पर, जिसमें कि केटू अधिक देने से जो है आरबीसी जो होती हैं वो टूटने लगती हैं। प्रतिदिन की मांग की बात करें तो इसकी कोई निश्चित मात्रा जो अभी ज्ञात नहीं हुई है, जबकि ये पाया गया है कि यदि व्यक्ति सामान्य जो है बैलेंस डाइट लेता है तो विटामिन के की कमी नहीं होती, लेकिन जो हमारी धात्री माँ होती है यानी लैक्टेटिंग मदर, उसकी कमी होने पर उसका दूध जो है पीने वाले बच्चे पर इसकी कमी जो है पाई जाती है। बात करते हैं इसकी अवशोषण की, तो ये वसायुक्त पदार्थों के साथ लसिका नलिका द्वारा किया जाता है और इसके अवशोषण के लिए जो है पित्तरस आवश्यक होता है। और यदि यकृत की खराबी से पित्तरस जो है कम हो जाता है और आंतों के जो पायरोलिक वाल्व में रुकावट आ जाती है और डायरिया की शिकायत हो तो विटामिन के अवशोषण पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इसके संग्रह की बात करें तो यकृत में पर्याप्त मात्रा में ये संग्रहित रहता है, तो ये जो लीवर होता है वहाँ पे जाकर के ये संग्रहित हो जाता है। थैंक यू।